उमरिया जिले के पाली नगर तहसील में वाह न्यायालय एवं वाह जिला सत्र न्यायालय के लिए आवंटित भवन को रिक्त कराने तहसील अधिवक्ता संघ पाली के समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा तहसील परिसर पाली के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। पाली अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आत्माराम अवधिया ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा बिरसिंहपुर पाली में बाह जिला एवं सत्र न्यायालय प्रस्तावित किया गया है, जिसको लेकर उक्त न्यायालय के संचालन हेतु तहसील परिसर में स्थित कृषि भवन का आवंटन किया गया है, लेकिन कृषि विभाग पाली के द्वारा उक्त भवन को खाली नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण दूरांचल में बसे किसान मजदूर व अन्य लोगों को मजबूरी वश जिला एवं सत्र न्यायालय से संबंधित प्रकरणों की पेशी एवं अन्य काम के दौरान परेशान होना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि अधिवक्ता संघ की मांग पर हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय उमरिया का वाह न्यायालय यहां खोलने के लिए आदेश दे दिया गया है और जिला न्यायालय द्वारा कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि तत्काल मकान को उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर साहब के द्वारा भी आदेश यहाँ SDM को ऑर्डर कर दिया गया है, कृषि विभाग को ऑर्डर कर दिया गया है। SDM द्वारा बाद में अनुभाग जो कृषि विभाग है उसको खाली करने के लिए आदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद भी कृषि विभाग वाले अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं। चूँकि हमारा कोर्ट काफ़ी डिले हो रहा है, इसलिए हम लोग अनशन में कर्मी का अनशन में बैठे हैं कि तत्काल उसको खाली कराया जाए। हाँ, जब तक खाली नहीं होगी हमारा अनशन कर्म से जारी रहेगा।